नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि तुरई को संकर बीज उत्पादन कैसे करें। तो बने रहे हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल घंटी दबाना ना भूलें ताकि हर रोज़ हमारी वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो किसान भाइयों, तुरई एक बेल वाली फसल है जो जायद तथा खरीफ ऋतु में सफलतापूर्वक उगाई जाती है। इसमें नर और मादा पुष्प एक ही बेल पर अलग अलग स्थान पर और अलग अलग समय पर खिलते हैं। नर पुष्प पहले तथा गुच्छों में लगते हैं, और जबकि मादा पुष्प बेल की शाखाओं पर व अकेले लगते हैं। पुष्प का रंग चमकीला चमकीला पीला होता है, और मादा पुष्प के निचले भाग में सब फल की आकृति युक्त अंडाशय होता है जो निषेचन के पश्चात फल का निर्माण करता है। पुष्प स्वयं काल में 5 से 8 बजे के दौरान खिलते हैं। पुष्प के दौरान नर पुष्पों के जीवित परागण प्राप्त होते हैं, साथ ही मादा पुष्प की वर्तिग्रात निषेचन के अत्यधिक सक्रिय होता है। तुरई में परागण द्वारा निषेचन होता है। उसके बाद हम बात करेंगे खेत का चुनाव कैसे करें इस खेती के लिए। तुरई के संकर बीज उत्पादन के लिए फसल बोने से पूर्व पिछले वर्ष खेत में उगाई गई फसलों की जानकारी पहले से कर लेनी चाहिए। खेत का चुनाव करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि पूर्व में उस खेत में तुरई की फसल नहीं लगी हो, क्योंकि पिछली फसल का बीज खेत में गिर जाता है और यह बीज संकर बीज उत्पादन के लिए बीज के साथ उगकर मादा प्रजनन से संकर बीज को दूषित कर देता है। बलुई दोमट होनी चाहिए इसके लिए। इसका पीएच मान 6.5 से 7 के मध्यम होना चाहिए। अब किसान भाइयों बात करेंगे मौसम, कौन से मौसम में इसका चुनाव करना चाहिए। तुरई के संकर बीज उत्पादन के लिए जायद मौसम की अपेक्षा खरीफ मौसम अधिक उपयुक्त होती है। खरीफ मौसम में बेलों की वृद्धि, पुष्प तथा फल अधिक होता है। खरीफ में बीज की गुणवत्ता फल में अधिक प्राप्त होता है, अधिक फल लगते हैं। अब किसान भाइयों बीज की मात्रा, नर व मादा के लिए बीज की मात्रा अलग अलग ली जाती है। मादा प्रजनन के लिए लगभग 1 से 75 से 2 किलोग्राम और नर प्रजनन के लिए लगभग 50 किलोग्राम बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर प्राप्त होनी चाहिए, तभी हमारी फसल खेत में बोना चाहिए। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।